Okay, let's begin. Decrements booklet 6, question number 6, 12 number ka sum hai. Time hai 24 minutes, so let's do it. Mane naujawan log ka shaadi ho raha hai, uske liye ek sum banaya inhone, theek hai? Doubt tha na? नहीं 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 किसको किसको लगा कि मैं एकदम पर्सनल टच दिया वो लोग को इस क्वेश्चन को करा के हम बोले किसको किसको ऐसा लगा कि ये सम जब करा रहे तो भैया मेरा सुने क्वेश्चन नंबर 6 करके क्या छोड़ो क्वेश्चन नंबर 6 A life insurance company issues a 3-year saving contract to unmarried male lives. ठीक है तो लड़का लोग जो लोग शादीशुदा नहीं है saving contract दे रहा वो लोग को that offers the following benefits. On death during the ना ना बाबा ना on death during the 3 years a sum assured of 15,000 payable immediately on death. अगर शादी किए बिना ही मतलब अगर हो जाए तो 15,000 मिलेगा. On surrender during the 3 years a return of premiums paid Payable immediately on surrender. तुम बोला ऐसा भड़ाओ हमको कुछ नहीं चाहिए तो सरेंडर करने पे क्या होगा जो भी प्रीमियम दिए वो वापस मिल जाएगा और ये वाला जो प्रीमियम है विद इंटरेस्ट है ना विदाउट इंटरेस्ट है विदाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलते थे विदाउट इंटरेस्ट मानते हैं ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द 3 years सम ऑफ 5,000 बहुत सिंपल है द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन पेमेंट ऑफ एनी बेनिफिट हाँ पढ़ रहे हैं अरे मेरा भी होगा एक दिन कौन बोला मतलब क्या सबका होता है हाँ अभी टाइम है 6-7 साल बाद ऑन मै ऑन मैरिज ड्यूरिंग द 3 years मेरे से पहले विकास का होगा ऑन मैरिज ड्यूरिंग द 3 years ऐसा कुछ नहीं है A return of premium paid accumulated with compound interest. Sum कर ले क्या? A return of premium paid with compound interest 4% payable immediately on marriage. मैं शादी वाले दिन ही बता आपका शादी वाले लीजिए, ठीक है? Calculate the level premium payable annually in advance for this contract for a life aged 40 exact. Mortality दे दी है AM 92. अगर double माने multiple decrement का sum होता है, तो हम लोग A में काम करते हैं ना normal में. A में dependent है. अच्छा तो ए वाला के लिए जैसे यहां पर हम लोग को जो मोर्टैलिटी दे दिया वो AM 92 दे दिया है तो वहां से क्या देखेंगे क्यू देखेंगे ना म्यू देखेंगे म्यू ओ अच्छा 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 राइट पहले क्यू देखते हैं फिर उससे क्या निकालते हैं म्यू ठीक है तो म्यू निकाल लेंगे एंड फोर्स ऑफ सरेंडर ये सुना था फोर्स ऑफ मैरिज समझता है फोर्स ऑफ मैरिज ठीक है 5% इंटरेस्ट इज 5% पर एनम इफेक्टिव एक्सपेंसिस 0.5% ऑफ ईच प्रीमियम ये तो बहुत ही सिंपल है सबसे पहले सारा फोर्सेस निकाल लेते ठीक है ओके तो सबसे पहले निकालो म्यू 40 डी कैसे निकालेंगे क्यू देख के म्यू निकालना पड़ेगा म्यू 41 डी म्यू 42 डी ये तीनों पहले निकाल लो बाकी का तो मेरे को दिया हुआ है ना फटाफट निकाल लीजिए एक इक्वेशन बना लीजिए माइनस एल एन वन माइनस क्यू एक्स माइनस एल एन वन माइनस क्यू एक्स अब डालते जाइए फटाफट क्यू का वैल्यूज एंड म्यू का वैल्यूज मेरे को बताते जाइए म्यू का वैल्यूज बताते जाइए प्लीज फटाफट ये सम पूरा कर लेंगे तो डेक्रीमेंट में ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं डेक्रीमेंट कॉन्फिडेंस आएगा हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया था अब समझ में आएगा हाँ पहला वाला बताओ पॉइंट ट्रिपल जीरो 937 फिर आएगा पॉइंट डबल जीरो 1105 सॉरी हाँ
पॉइंट डबल जीरो वन जीरो वन फाइव एंड ये वाला कैसे होगा पॉइंट डबल जीरो वन वन जीरो फाइव. सारा म्यू निकाल दिया. अब डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी तो मेरे को निकालना आता ही है. अब हम एक टेबल बनाएंगे. ठीक है उत्कर्ष, ये तीनों लिख लो फटाफट. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है मानसी? ठीक है ओके. अब एक टेबल बनाएंगे. मिटाऊं ये वाला? तो टेबल जो बनाएंगे देखना, एक्स सबसे पहले रहेगा 40, 41, 42 लिख दो फटाफट. एक्स लिख दो एक्स. उसके बाद में सारा फोर्सेस का सम, समेशन ऑफ म्यू एक्स. ऊपर में के लिख देना, के मतलब जनरल, या फिर जे लिख देना जो भी. समेशन ऑफ फोर्सेस, फिर लिखना ई टू द पावर माइनस समेशन ऑफ फोर्सेस. ई टू द पावर माइनस समेशन ऑफ फोर्सेस ये क्या है बताना? ना फिसलना, ना फिसलना. अब करेंगे वन माइनस ना फिसल जाना, तो क्या होगा? फिसल जाना. अब किस वजह से फिसल जाना? सबसे पहले क्या आएगा? ए क्यू एक्स डी. फिर क्या आएगा? ए क्यू एक्स डब्ल्यू. फिर क्या आएगा? ए क्यू एक्स एम. व्हाट इज एम? चलिए इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स. टाइम नहीं लगना चाहिए, पांच मिनट का तो सम है. कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं. दिक्कत हो रहा है? कोई पूछो, मेरे से पूछो. हाँ तीनों को ऐड करना है, सारा सम का, तीनों का फोर्सेस को ऐड कर दो. मैं भी आपके साथ साथ भरू क्या? बोलो ना. हाँ 0.150937, फिर आएगा 0.140099. फिर आएगा 0.000870. फिर आएगा 0.092819. फिर आएगा 0.046409. ये वाला प्लीज आप लोग भर लीजिएगा वैल्यूज. 0.140165, 0.14, सुनथले बना दिया पूरा. ये वाला पता है बनाने से क्या होता है? एकदम ईज हो जाएगा. फिर से 9 होगा.
फिर से बोलो, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला पॉइंट 000 अथवा 887 होगा। हाँ ठीक है, 87 ही है, आपको वन दिख रहा है, 87 ही है ये। इसको 10 सेकंड में मिटा दूंगा, मानसी कॉपी नहीं करो, नहीं गलत बात, ए मार देंगे। नहीं नहीं अदिति, नहीं अदिति, नहीं काटो काटो काटो, ये अच्छा ब्लैकमेल हो गया। तन्वी यश की बहन, पेन रख के आंसर चेक करो, देख रहे रुको बता रहे हैं आप, कुछ लोग देख नहीं छोड़ दिया है। ए ए, ए। बहुत दिख रहा है मेरे को यहां से, ना ना कहीं का। सम है 12 नंबर का, लेकिन डिफिकल्टी कम है, चीज को समझिएगा, डिफिकल्टी कम है। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग मतलब एक ही चीज बार बार किए जा रहे हो। जैसे कि कहाँ घूमने जा रही हो, कहीं घूमने जा रही हो? दिखाने नहीं, दिख रहा नहीं तेरे को? बाहर निकलती गाड़ी में बैठ जाना तुरंत। ओके आगे देखो, फीस तो तेरे को ज्यादा लग रहा है, और वैसे तेरे को पार्किंग चाहिए गाड़ी का। हाँ हाँ बढ़ा देंगे फीस, मेरा क्या है, दिखाई दे भाई। ओके okay. मिटा रहा हूं, 3 2 1। अरे अंधाधुन ये क्या है? देखो पहला पॉइंट पढ़ना अदिति, पहला पॉइंट पढ़ो अदिति, पहला पॉइंट जोर से पढ़ना। एक मिनट रुकना, तो थोड़ा मेरे को नॉइस सुनाई दे रहा है इस तरफ से, ब्लू और ग्रीन बातें कर रहे हैं आपस में। हाँ बोलो, ओके तो देखो ऐसे लिखना, डीबी लिखो, डीबी डीबी 15,000 वी टू द पावर 0.5 ए क्यू 40 डी प्लस वी टू द पावर 1.5 ए पी 40 इंटू ए क्यू 41 डी प्लस वी टू द पावर 2.5 टू ए पी 40 ए क्यू 42 डी। बोलो ना, हाँ नेक्स्ट बुलेट पढ़ो। गुड, तो पी तो मैंने बाहर ले लिया, एनुअल प्रीमियम को मैं पी ले रहा हूं, ठीक है पी ले लेना। तो पहला साल में सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगा? पी,
अच्छा कब मिलेगा? इमीडिएटली एंड ऑफ द ईयर. हाँ इमीडिएटली. तो वी टू द पावर 0.5 ए क्यू 40 डब्ल्यू प्लस. अच्छा सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? पी ना 2p तो मतलब 2 ए पी 40. अब बहुत जन गंदगी मचाएंगे, बोलेंगे भैया आप 2AP40 क्यों लिखे हैं, ये 2 AP40 है. 2p मतलब बेनिफिट कितना है? 2p का बेनिफिट है ना. अरे सेकेंड ईयर में पहुंचा तो कितना बार प्रीमियम दे दिया? दो बार. बस तुम लोगों को तो खाली क्या, तुम लोग तो क्लब का मेंबरशिप फीस पे की हो 26,500, 6 महीना एंजॉय करो उसमें. यहां पर लिख देना SB 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 DB. नेक्स्ट पढ़ना. ओके. विच कलर डू आई चूज? राइट. ओके देखो. हाँ देखो MBA. अब सुनो MBA में क्या बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेड विदाउट, अरे बोलो ना, विदाउट, हाँ विथ इंटरेस्ट. मैं चेक कर रहा था. पी बाहर आ जाएगा. अंदर में देखो हलचल होगा अभी. वी टू अच्छा इमीडिएटली और मैरिज है ना, एंड ऑफ द ईयर ऑफ मैरिज है. वी टू द बार 0.5 वन. अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना दिया मैं देखो तो 4% पक्का ना? 4 की 5. ठीक है तो प्रीमियम पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4% बोल दिया ना एक्सक्लूसिवली. ठीक है तो 1.04 टू द पावर 0.5 ए क्यू 40 m प्लस. आप देखो आप झमेला ये है कि दो बार प्रीमियम देंगे ना, तो पहला वाला जो प्रीमियम देंगे वो तो 1.5 साल अक्यूमुलेट होगा एंड दूसरा वाला जो प्रीमियम देंगे वो 2.5 साल अक्यूमुलेट होगा. तो इसको ऐसे लिखेंगे 1.04 टू द पावर 1.5 प्लस 1.04 टू द पावर 0.5 वी टू द पावर 1.5 एपी 40 इंटू अरे एक मिनट रुको ए क्यू 41 m. अब सुनो बोलने का मतलब क्या है, पैसा कहां दे रहे हैं? 1.5 साल पे. तो जो प्रीमियम टाइम 0 पे दिए थे उस पर 1.5 साल का ब्याज एंड जो प्रीमियम टाइम 1 पे दिए थे उस पर 0.5 साल का ब्याज, तो इसीलिए ऐसे आ रहा है. अब तीसरे साल का बताना कैसे होगा, बताओ. पोएट्री चालू करो तो लोगों को उसमें मजा आता है ना. 1.04 टू द पावर 2.5 प्लस 1.04 टू द पावर 1.5 प्लस 1.04 टू द पावर 0.5 वी टू द पावर 2.5 2 एपी 40 ए क्यू 42 m. क्या ढांसू सा इक्वेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि साइंस सा पढ़ रहे कुछ. क्या इसको और इसको अगर तुम ऐड कर दी तो मान जाएंगे? एक मिनट, ऐड तो कर ही रहे हैं, ऐड करने के लिए सेम टाइम पे ला रहे पहले.
डेमो देखो जिसको देखिए तुम ज्वाइन किया था, ये जीरो है, ये वन है, ये 1.5 है. तो जीरो से डेढ़ साल आगे अक्यूमुलेट किया, फिर वन से आधा साल अक्यूमुलेट किया, जब दोनों सेम टाइम पे आया फिर तुम प्लस कर सकता है. अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि 1.04 to the power 2.5 प्लस 1.04 to the power 1.5 प्लस 1.04 to the power 0.5 इज इक्वल टू 1.04 to the power 4.5, तो शायद तुम गलत हो. ये लेकिन आएगा नहीं ऐसे. जो लोग भी हंस रहे सबको जीरो आएगा, देख लेना, ऐसे ऐड होता नहीं है. ये नया आया मार्केट में, ऐसे ऐड होता नहीं है. शिवांगी दी भी ऐसे ही करती थी, हम बता रहे हैं. वो जब सम्स करती थी तो ऐसे ही बोलती थी, प्लस कर दी क्या 94. वो तो हम लोग पढ़ाते तो किसी का भी आ जाता है. करारा जवाब मिलेगा. ये वाला देखो, ये हो गया क्या? अब समझ में आया कैसे कर रहे हैं? पक्का बोल भाई, फिर तुम घर में जाकर बोलेगा मेरा मजाक उड़ा दिया. देख लेंगे, बाहर में मिलो. अलग अलग करा, अब जब तीनों को ऐड करेगा, माने पावर में ले जाके ऐड करेगा, तो फिर होगा. अब क्या बच गया है? एस बी, फिर से एस बी. मिटाएंगे इसको, कॉपी कर लो, हारा वाला को मिटा देते हैं. जो सरेंडर बेनिफिट था उसमें विदाउट इंटरेस्ट था, इसलिए पी प्लस टू पी, लेकिन यहां पर विद इंटरेस्ट है. एस बी, एस बी कितना का है? 5,003 AP 40. और क्या बच गया? बोलो ना प्लीज, प्लीज बोलो ना, एक बार बोल दो प्लीज. एक्सपेंसेस से पहले भी कुछ आता है, प्रीमियम, ईपीवी ऑफ प्रीमियम्स. प्रीमियम्स कैसे दे रहा है? एडवांस एनुअली. तो प्रीमियम का क्या लिखेंगे बताना? पी वन प्लस, वन प्लस वी ए पी 40 प्लस अब सुनो, ये प्रीमियम आ जाएगा, इसका 0.5% क्या है? तो एक तरफ तो आएगा एलएचएस में प्रीमियम. नाउ दिस इज इक्वल टू एसबी प्लस एसबी प्लस एमबी प्लस डीबी प्लस एक्सपेंसेस. वहां से प्रीमियम सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व करिए. इसका 0.5% इज एक्सपेंस. करी दिशा? नहीं तो आपको दिशा नहीं मिलेगी बिल्कुल भी. कितना मिल गया?